दीदी। माँ आप ऐसा व्यवहार करते हैं अपनी विमाता के साथ? आज तक मुझे अपने पालन पोषण पर अभिमान था, अपने संस्कारों पर अटल विश्वास था, अपनी तपस्या पर गर्व था कि मेरे पुत्र में कोई दोष कोई विकार नहीं है। राज क्रोध में तो तू अंधा हो गया गरुड़। जो व्यवहार तूने अपनी बड़ी मां और अपने भाइयों के साथ किया है ना, उसने मेरे हृदय पर बहुत गहरी ठेस पहुंचाई है। कोई कारण नहीं दूंगा, ना ही कोई बहाना बनाऊंगा, बस क्षमा। जिनका अपमान किया है तुम्हें, क्षमा दान देने का अधिकार भी उन्हें ही है। क्षमा की याचना करनी है तो अपनी विमाता महारानी कद्रू से कर। महारानी, जो अपराध तूने आज किया है उसके लिए क्षमा पर्याप्त नहीं है। अपने कर्म का फल तुझे भुगतना होगा, दंड मिलेगा तुझे, दंड। आप मेरी मां समान हैं, आप जो भी दंड देंगी मुझे स्वीकार है। मैंने तुझसे कहा था ना, यदि मां कोई त्रुटि करेगी तो दंड पुत्र को मिलेगा। यदि पुत्र कोई अपराध करेगा तो परिणाम मां को भुगतना होगा। आज तेरी मां के मना करने के बाद भी तूने मेरे पुत्रों पर आक्रमण करके ये सिद्ध कर दिया है कि अब तेरी मां का आदेश तुझे नहीं रोक सकता। तेरी मां तुझे समझाने में विफल हो गई है, इसलिए मैं वही करूंगी जो एक स्वामिनी अपने दास को नियंत्रण में रखने के लिए करती है। आज तक तुम एक दासी पुत्र था गरुड़, किंतु आज से, अभी से, अभी से, अभी से तू हम सबका दास होगा, तू हम सबका दास होगा, तू हम सबका दास होगा। दासी बनना मेरी नियति में है, तेरी नहीं। किंतु मां, मैं तू कभी किसी का दास नहीं बनेगा, एक दिन के लिए भी नहीं, एक क्षण के लिए भी नहीं, कभी नहीं। मैंने ही बड़ा किया है तुझे, अपनी ममता की शक्ति से तेरे कण कण को सींचा है, प्रत्येक पल भगवान विष्णु से तेरे उज्जवल भविष्य की कामना की है।
इस विश्वास के साथ कि तू अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य, अपने जीवन का उपयोग किसी बड़े महत्वपूर्ण कार्य के लिए करेगा। ऐसा मत कहिए दीदी, मैं दासी हूं, पर मेरा पुत्र वो आपका दास कैसे बन सकता है? उसे मुक्त रहने दीजिए। मुक्त तो रहने दिया था अब तक, किंतु आज इसका ये रूप देखकर इसे समझाना आवश्यक हो गया है कि इसका उचित स्थान अपने स्वामी के चरणों में है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ दीदी। मैं मानती हूँ इससे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, पर मैं आपको वचन देती हूँ अब आगे ऐसा कभी नहीं होगा। या आपको या आपके पुत्रों को हानि पहुंचाना तो दूर, दृष्टि ऊंची करके देखेगा तक नहीं। वो तो देख लिया मैंने, आज देख लिया कि कैसे ये तेरे नियंत्रण के बाहर जा चुका है। तेरे वजन का कोई मूल्य नहीं है विंता, और वैसे भी दासी का पुत्र तो दासी ही होता है ना। चरण छूकर प्रार्थना करती हूँ दीदी, मेरा अनुरोध स्वीकार कर लीजिए। ये मूर्ख है, ये बालक है, इस पर दया कीजिए, क्षमा कर दीजिए इसे। तू तो ऐसे कह रही है कि जैसे मैं इस पर कोई क्रूरता कर रही हूँ। स्मरण है तुझे, कल तू हमारे स्वामी का उदाहरण देकर मुझे समझा रही थी। आज मैं उन्हीं का नाम लेकर तुझसे पूछती हूँ। हमारे स्वामी महर्षि कश्यप जिस तरह धर्म के मार्ग पर चलते हैं, उस धर्म के अनुसार तेरे पुत्र को तेरा अनुसरण करना चाहिए था या नहीं? बता, क्या कहता है तेरा धर्म? मौन मत रह दासी, बोल, तेरे पुत्र को दास होना चाहिए या नहीं? क्या हुआ बताना, क्या है तेरे धर्म के अनुसार उचित? आपसे विनती करती हूँ महारानी, ये निर्णय लेने के लिए मुझे विवश मत कीजिए। अपने पहले पुत्र को जीवन भर का दुख दे चुकी हूँ मैं, अब अपने दूसरे पुत्र की भाग्य रेखा यदि मेरे कारण मिट गई तो मेरा अपराध बोध मुझे जीने नहीं देगा। कर्तव्य का निर्णय भावना के अधीन होकर नहीं किया जाता है। केवल इतना बता, धर्म के अनुसार तेरे पुत्र को दास होना चाहिए या नहीं? Thank you.
पुत्र के मुंह में सत्य को छुपाना चाहती है विंता, किंतु सत्य तो धर्म की तरह प्रखर होता है, तेरे छुपाने से नहीं छुपेगा। सत्य बता, धर्म की रक्षा करेगी या नहीं? सत्य कहा आपने? एक दासी का पुत्र दासी होता है, एक दासी का पुत्र दासी होता है। मेरी माँ के मुंह से निकला हर शब्द मेरे लिए सत्य है, और अभी इस सत्य ही मेरा धर्म है। आज से मैं आप सबका दास हूं, आज से मैं आप सबका दास हूं। वन में मोर नाचेगा तो देखेगा कौन, ऐसे एकांत में वचन देगा तो विश्वास कौन करेगा? तेरे दासत्व की घोषणा सबके सामने की जाएगी। क्षमा कर माँ, यशस्वी भवा, आसन ग्रहण कीजिए। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। महारानी, अब मैं पंच महाभूतों का आवाहन करता हूँ। अग्नि तत्व देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम पृथ्वी तत्व देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम जल तत्व देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम वायु तत्व देवताभ्यो नमः स्वाहा।
महारानी, अब आप अपना दाहिना हाथ इनके दाहिने हाथ पे रखिए। आरंभ कीजिए। अब जो मैं तुझसे कहूंगी वो तू दोहराएगा। मैं महर्षि कश्यप और विंता का पुत्र गरुड़। मैं महर्षि कश्यप और माँ विंता का पुत्र गरुड़। पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश। पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश। इन पंच महाभूतों को साक्षी मानते हुए। इन पंच महाभूतों को साक्षी मानते हुए। मन से वचन से और कर्म से। मन से वचन से और कर्म से। मेरी विमाता महारानी कद्रु और उनके एक सहस्त्र पुत्रों की दास्ता स्वीकार करता हूं। दासी बनना मेरी नियति में है। तू कभी किसी का दास नहीं बनेगा। एक दिन के लिए भी नहीं, एक क्षण के लिए भी नहीं, कभी नहीं। जो मेरी माँ का अपमान करेगा मैं उसका सम्मान कभी नहीं कर सकता। तेरी माँ मेरी दासी है गरुड़, और तू एक दासी पुत्र। यदि तूने कभी भी मेरे पुत्रों का अपमान किया या उनका अहित करने के बारे में सोचा तो प्रकृति की कोई भी शक्ति तुझे मेरे क्रोध से नहीं बचा पाएगी। अपनी विषैली शक्तियों पर बहुत अभिमान है ना तुम सबको? आज उसी अभिमान का अंत करूंगा मैं। तुम्हारे विष उगलने के सामर्थ्य को नष्ट कर शक्तिहीन बना दूंगा मैं तुम सबको। प्रातः कालिया के पांचों सिरों को उखाड़ कर अपनी माँ के चरणों में फेंक दूंगा। मेरे ये नख तुम्हारे भागों को सहस्त्र टुकड़ों में उखाड़ कर फेंक देंगे।